इस वक्त भोजपुरी के शेर पवन सिंह यूट्यूब पर अपने बैक टू बैक गाने रिलीज करके लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। उनके गाने लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं कि गानों के व्यूज लगातार तो बढ़ ही रहे हैं बल्कि खूब वायरल भी हो रहे हैं। हाल में रिलीज हुआ पवन सिंह का मीठा मीठा बथे कमरिया सॉन्ग बम्पर हिट साबित हुआ और महज 6 दिन के अंदर ही इस गाने को 69 लाख के करीब लोग देख भी चुके हैं। लेकिन जैसे ही पवन सिंह का एक गाना बम्पर हिट हुआ तो वहीं दूसरी तरफ एक्टर रितेश पांडे के गाने ने भी यूट्यूब को हिला कर रख दिया। जी हाँ, दरअसल पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुआ रितेश का हेलो कौन सॉन्ग 500 मिलियन का आंकड़ा पार कर गया है, यानी कि इस गाने को 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और पसंद कर रहे हैं। और इसी के साथ रितेश का ये गाना बन गया है भोजपुरी का सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला गाना। और इस बात की खुशी रितेश ने भी अपने इस पोस्ट को शेयर करके अपने फैंस के साथ बांटी। रितेश ने गाने के पोस्टर को शेयर करके ये तो बताया है कि गाने के व्यूज 500 मिलियन को पार कर चुके हैं और साथ ही लिखा, कमाल हो गया। वही मानना ही पड़ेगा कि इन दिनों भोजपुरी स्टार्स का डंका यूट्यूब पर खूब बज रहा है। आपको बता दें कि हेलो कौन को रितेश पांडे और सिंगर स्नेहा उपाध्याय ने मिलकर गाया था। गाने के लिरिक्स थे आशीष वर्मा के और गाने का म्यूजिक भी उन्होंने ही तैयार किया था और इस फिल्म को रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज किया गया था। देखा जाए तो इस गाने को रिलीज हुए महीनों बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी भी इस गाने को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और इसी के साथ रितेश ने बड़ा कमाल भी कर दिया है। वहीं इन दिनों लॉकडाउन में पवन सिंह लगातार अपने गानों की वजह से छाए हुए हैं। पवन सिंह बैक टू बैक गाने रिलीज कर चुके हैं जिसे अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है और जिस तरह पवन के गानों पर व्यूज आ रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले टाइम में पवन के इन गानों के व्यूज भी रितेश के गाने को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि अगर पवन सिंह बम्पर हिट है तो रितेश भी भोजपुरी में जबरदस्त हिट है। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।